मैं केरला एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर है केरला से, डिप्यूटी डायरेक्टर प्लानिंग केरला टूरिज्म। हम पुणे आ गया है पार्टनरशिप मीट के लिए। तो महाराष्ट्र एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट जगह है हम केरला टूरिज्म को, बहुत ज़्यादा लोग आता है और देखने के लिए, घूमने के लिए। सो डोमेस्टिक टूरिस्ट वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। तो केरल पे पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, मुन्नार, वायनाड, आलप्पुरा, दीज आर द प्लेसेस वेयर सो मेनी पीपल फ्रॉम महाराष्ट्र एंड पुणे कम। सो केरला टूरिज्म तो ये सोच है कि जो बिजनेस के बाद है ना, टूरिस्ट बिजनेस के साथ जो पार्टनरशिप होता है, जो बातचीत हो रहा है, इसलिए टूरिज्म सेक्टर को बहुत अधिक बिजनेस हो जाते हैं और हम लोगों को कुछ पहचान हो जाता है कैसा डेवलप करना है, क्या क्या प्रेफरेंसेस है टूरिस्ट को। सो फॉर दीज थिंग्स दैट वी केम ओवर फॉर पुणे टू डू द पार्टनरशिप मीट एंड द रोड शो इन पुणे एंड इन एल्सवेयर इन महाराष्ट्र। वेल, नेक्स्ट मंथ ऑफ सेप्टेम्बर बहुत बहुत फेमस फेस्टिवल है ओणम का, बहुत इंपॉर्टेंट त्यौहार है, जब हम स्नेक बोट रेस, अतपूकलम, द ओणसद्या, द पुलिकली, बहुत खूबसूरत रहता है, बहुत कलरफुल होगा। तो और ये तो हमारा नेशनल फेस्टिवल है, बिकॉज देर इज़ नो कल्चरल डिफरेंस, नो रिलीजियस डिफरेंस, नो कास्ट डिफरेंस, एवरीबडी कम्स टुगेदर एंड दे यू नो दे एंजॉय द फेस्टिवल ऑफ ओणम। और हमारा जो ड्रेस भी है बहुत खूबसूरत लगता है, जो हैंडलूम वाली, और बहुत त्यौहार भी इसके साथ मनाए जाते हैं। तो ओणम है हमारा बहुत वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, और ओणम के बाद जब पूजा होता है तो तब से हमारा टूरिज्म का जो सीजन शुरू हो जाता है। और नेशनल जो टूरिस्ट है वे अक्टूबर से केरल आता है और इंटरनेशनल टूरिस्ट तो दिसंबर से आ जाता है। तो केरला में टूरिज्म बिजनेस को ग्रो करने के लिए महाराष्ट्र के टूर ऑपरेटर्स, इनके लिए आपके पास क्या स्पेशल पैकेजेस हैं, या फिर वहाँ जाके जो विजिटर्स हैं ओके, फॉर द टूर ऑपरेटर्स दैट आर प्लेस्ड इन यू नो इन महाराष्ट्र, लाइक वी आर ऑफरिंग अ प्लेथोरा ऑफ थिंग्स, यू नो एज गवर्नमेंट ऑफिशियल वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग द प्लेटफॉर्म फॉर द यू नो द बायर एंड द सेलर टू टॉक। सो जो बायर और सेलर है, जो सेलर तो केरल से जो रिसोर्स है और जो बायर्स है यहाँ के टूर ऑपरेटर, इसके बातचीत जो बातचीत होना है ऑफिशियल टर्म्स पे, वो करने के लिए ही हमारा ये पार्टनरशिप मीट होता है। और इसके दी यू नो द डील्स दैट वी मेक इज विद देम, सो दैट इज़ व्हाट आई कुड से। बट फॉर द पीपल, फॉर द टूरिस्ट हु आर कमिंग टू केरला, आई वुड अश्योर दैट जो भाषा एक प्रॉब्लम है ना, तो हम वहाँ पे कुछ टूरिस्ट गाइड्स भी है, उसको हिंदी और मराठी का ट्रेनिंग, वी हैव गिवन ट्रेनिंग फॉर देम। और जो लैंडमार्क्स है वहाँ पे हम तो हिंदी, इंग्लिश और हिंदी में बोझ लग रहा है, तो पीपल कुड नो थिंग्स बेटर। एट द सेम टाइम यू नो द फूड इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द पीपल। So the food which is much popular in Maharashtra is available in Kerala in most of the important places. At the same time in Kerala there are some food items jo Maharashtra se influenced hai. Mera jagah pe ek bahut sweet wali boli hota hai jo Purim boli ka ek replica hai. To hum logon ko kuch achhi tarah ki mix hai. इसलिए आओ केरला, महाराष्ट्रीय जो लोग हैं अच्छी पसंद होगा, तो आइए। लास्ट ईयर का रेवेन्यू जनरेशन क्या था? वेल, आई कैन नॉट गिव यू द एक्सैक्ट अमाउंट फॉर फ्रॉम द टूरिस्ट, बिकॉज इट इज़ लाइक समथिंग विच इज़ लाइक वेरी इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट, यू नो। फॉर द स्टेट ऑब्वियसली थ्रू द GST कलेक्शन, विद द टिकट कलेक्शन दैट वी हैव, दैट इज़ लाइक द डायरेक्ट थिंग। इनडायरेक्टली द अमाउंट्स विल बी कमिंग फॉर द टूरिस्ट पीपल इन दीज होटेल्स एंड रेस्टोरेंट्स, and they will be in turn paying the taxes to us. So in that way, I